चलिए दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं जीआई टैग के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत। आपको बता दें, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ये दिया जाता है, क्षेत्र रहते हैं इसके एग्रीकल्चर, नेचुरल, मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स, कृषि, विरक्टिंग, औद्योगिक, हस्तलिप क्षेत्रों में दिया जाता है। आपको बताएं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रहता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई और इसमें 164 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा में, और इसके मेंबरों में भारत भी शामिल है। आपको याद है, जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट आया 1999 में आया, और 15 सितंबर 2003 को ये प्रभावी हुआ है। इसने अपना कार्य करना चालू किया। आपको बता दें, जीआई लोगो और स्लोगन, जीआई लोगो को तैयार किया है अदरी चटर्जी ने, और स्लोगन टैगलाइन को तैयार किया है अतुल, भारत की अमूल्य नीति को तैयार किया है आकांक्षा त्रिपाठी ने। आपको बता दें कि ये जीआई लोगो और स्लोगन तैयार किया गया डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के तहत, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय के अधीन आता है ये डिपार्टमेंट। अब आइए तो जीआई टेक और इंडिया के बारे में देख लेते हैं, भारत के बारे में। आपको बता दें कि फर्स्ट जीआई टेक भारत को मिला था दार्जिलिंग चाय के लिए 2004-05 में। करंट की 2018 की बात करें तो 2018 में कंधमाल हल्दी को मिला है उड़ीसा में। अल्फांसो आम, जिसे हाफूज भी बोला जाता है, आमों का राजा है, इसे महाराष्ट्र को मिला है। इसमें शाही लीची बिहार को मिला है। इसका कड़कनाथ मुर्गा होता है चिकन के लिए, मध्य प्रदेश को मिला है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच विवाद चल रहा था तो मध्य प्रदेश को मिला हुआ है। आपको यहां बता दें, और एमपी में कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ और अलीराजपुर में मिलता है। ये विशेष स्वादिष्ट वाला चिकन रहता है, इसमें प्रोटीन फैट भी कम रहता है, और B1, B2, B6, B12 विटामिन भी रहती है। आपको एमपी ये बता दें तो मध्य प्रदेश में चंदेरी फैब्रिक को भी मिला है जीआई टैग, और चमड़े के खिलौनों को इंदौर को भी मिला है जीआई टैग मध्य प्रदेश में। रतलामी सेव को भी जीआई टैग दिया गया है। आगे बात करें हम आदिलाबाद डोकरा, इसे तेलंगाना को मिला है। वारंगल दरिया है, ये दरी, इसे तेलंगाना को मिला है। इसमें बैगन पल्ले आम, जैसे फलों का राजा भी बोला जाता है, आंध्र प्रदेश को जीआई टैग मिला हुआ है। मिला है रसगुल्ला है, पश्चिम बंगाल को इसका जीआई टैग मिला हुआ है। मामलापुरम मूर्तियां हैं जो तमिलनाडु में, तमिलनाडु को मिला हुआ है इसका जीआई टैग। अगला देखते हैं, इटी कोप का खिलौना है, इसे आंध्र प्रदेश को मिला हुआ है जीआई टैग। गोविंदो भोग चावल, इसे पश्चिम बंगाल को मिला हुआ है, मिला जीआई टैग। नीलांबर साबुन एक वृक्ष होता है, केरल को जीआई टैग मिला है। इसमें जयनगर के मुआ को पश्चिम बंगाल को मिला है इसका जीआई टैग, भौगोलिक संकेत। सरफुरिया मिठाई को पश्चिम बंगाल को मिला है। कुल्लू के सोल हिमाचल प्रदेश को मिला हुआ है जीआई टैग। महीन दाना चावल के जो पश्चिम बंगाल को मिला हुआ है इसका जीआई टैग। अगला हमारा चेंगली कोडन केला, केला की एक वैरायटी होती है, केरल को इसमें जीआई टैग मिला। बासमती चावल की बात करें तो इस बासमती चावल के किस्मों में अलग अलग क्षेत्रों को मिला हुआ है। पंजाब को भी मिला हुआ है बासमती चावल के लिए, हरियाणा को भी मिला हुआ है, हिमाचल प्रदेश को भी मिला हुआ है, उत्तराखंड को भी मिला हुआ है, उत्तर प्रदेश को भी मिला हुआ है, जम्मू कश्मीर को भी मिला हुआ है। चलिए, तो हमने जीआई टैग के बारे में देख लिया। आपको बता दें, जीआई टैग का मुख्यालय मुंबई में है। चलिए, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी कुछ सीखने को मिल सके।